अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये ना दोस्तों, हमारा सामने ना ये एक आम का दरख्त लगा हुआ है, आप देखें, ये सारा ना सूखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये इस दरख्त को ना डाई बैक यानी मुँह सरी, आम जबान में मुँह सरी लगी हुई है। ये देखें सारा ना ये ऊपर से सूखा हुआ है। तो इसका जितना भी हमने फंजीसाइड खाद जो कुछ करके देख लिया है, एक साल कोई असर नहीं पड़ता है। तहकीक करने के बाद ये पता चला है कि इसको ना मूसर यानी नीचे से ना इसकी जड़ें गल जाती हैं, जिसकी वजह से सूखने शुरू हो जाता है, नमकियात इसमें ज़्यादा हो जाती हैं इस वजह से। तो ऐसे दरख्तों को ना दोस्तों ठीक करने का इलाज यही है कि इनका ना ट्रेंच बनाया जाए। ये देख रहे हैं इधर हुसैन भाई, इसका ना चारों तरफ इसकी जिस तरह छतरी है ना, इसके साइड पर बना रहा है ये नाली। तो इसको आपने 2.5 फुट इसकी ना नीचे गहराई, 2.5 से 3 फुट आपने इसकी ना गहराई करनी है, और 1.5 से 2 फुट ना इसकी चौड़ाई करनी है। ये चारों तरफ बनाएंगे और जो मिट्टी निकल रही है वो आपने ना इसके ऊपर डालनी है। ये ट्रेंच ना दोस्तों आपने बनाने के बाद ना एक साल तक ना इस तरह इसको हालत में रखने देना है, और एक सर्दियों में आपने इसको ना 2 पानी छोड़ के पानी देना है इस दरख्त को, और गर्मियों में 1 पानी छोड़ के पानी देना है, और आपने नाली में पानी देना है। और ये जो नाली हम बना रहे हैं ना, इसके साइड पर भी आपने मिट्टी करना है देनी है, ताकि ये बाहर से पानी ना आए अंदर। इसी तरह एक साल तक ये ना पौधा ठीक हो जाएगा अपनी हालत में। आपने किसी तरह की इसके अंदर कोई खाद नहीं डालनी, ना ही कोई स्प्रे करना है, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये सेट कर रहा है, ये सारी मिट्टी ना जो जो नाली से निकल रही है नीचे से, वो ऊपर आपने डाल के ढेर बनानी है। तो ये ना दोस्तों हमने ट्रेंच बना लिया, आप देखें ये चारों तरफ से हमने इसकी नाली बनाई है ट्रेंच से। इसके ऊपर ना आप मल्चिंग करेंगे हम, ये कोई भी आप घास ले सकते हैं, ऊंजी का भी ले सकते हैं, या कमांद के जो होता है सूखा हुआ, इसकी मल्चिंग करें। पानी इसी के अंदर हम देंगे अभी एक साल, खाद इसमें कोई इस्तेमाल नहीं करनी। इधर ना दोस्तों हमने इस पर मल्चिंग कर दिया, ये हमने मूंजी का ना जो होता है ना घास वो इधर डाला है, इससे फ़ायदा ये होगा कि इधर कोई घास वगैरह नहीं होगा। वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।